सिक्स क्लास स्टूडेंट SOS पीरियड। आज हम लेसन नंबर 4 की चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्या बताती हमें किताबें और कब्रें। स्टूडेंट जैसा कि आपको विदित है किताबें और कब्रें, किताबें उन्हें कहा जाता है जितने भी हमारे पुराने पवित्र ग्रंथ हुए, जैसे ऋग्वेद हुए, सामवेद हुए, इस प्रकार के जो थे उनको कहा जाता था कब्रें। कब्रें वो शिलालेख थे जिनके ऊपर लिखा जाता था कि ये किसकी कब्र है, क्या चीज़ है। तो इसमें क्या खास बात थी, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं को सूतक कहा जाता है। ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ये प्रार्थनाएं मुख्यतः 3 देवताओं की स्तुति में रची गई। ये देवता इंद्र, अग्नि, सोम है। भारतीय यूरोपीय भाषाओं के परिवार को बरौपी कहा जाता है। संस्कृत भाषा इसी परिवार के सदस्य है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, सिंधी इसी परिवार से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आता है महापाषाण कब्र। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था, जिनमें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड वाइट ट्रिबर के नाम से जाया जाता था। कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, पत्थर और सोने के गहने तथा घोड़ों के कंकाल मिले। आर्य लोग गेहूँ, जौ, चावल अपने भोजन में प्रयोग किया करते थे। इसके अतिरिक्त वे फल, सब्जी, दूध तथा मांस का प्रयोग करते थे। विशेष अवसरों पर एक विशेष किस्म के पौधे से बने रस का प्रयोग करते थे, जिसे सोम रस कहा जाता था। इसी प्रकार क्या चीज थी कि विश्व के महान ग्रंथों में वेदों पर नोट लिखा गया था जब, तो उसमें ये पता किया गया था कि 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद की रचना 3500 वर्ष पहले हुई थी। इसमें 1000 प्रार्थनाएँ हैं। विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में ये रची गई हैं। इनमें से 3 देवता जो हैं वो अग्नि, इंद्र तथा सोम महत्वपूर्ण हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सहस्वर पाठ द्वारा कंठस्थ कराते थे। और कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृत वैदिक संस्कृत कहलाती है। यह आज पढ़ी जाने वाली संस्कृत से कुछ अलग है।